कहानी की शुरुआत होती है योंग से, जो 16 साल का एक बेहतरीन बॉक्सर था। पूरे शहर में उसकी दमदार मुक्केबाजी की खूब चर्चा थी। एक रात मैच जीतकर वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ और बहन उसका इंतजार कर रही थीं। लेकिन असल में उन पर हमला किया गया था चोरों ने। हालांकि योंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन सबको धोया, इसी वजह से उस पर खून का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। वहीं एक नया लड़का सॉबिन भी आया था इस स्कूल में। उसको पिछले स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था, इसलिए उसने यहां एडमिशन लिया। शुरू में यह स्कूल उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो बिना वजह कुछ बच्चों को पीटने लगा। फिर सॉबिन ने पेन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो बोलता रहा, मारो मारो इन कमजोरों को। टोनी के समीप आकर उसने बिना सोचे उसकी आंख में पेन मार दिया। उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चला। कोर्ट में टोनी के खिलाफ कुछ न बोल पाने की वजह से सॉबिन को 2 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट से जेल जाते समय उसे एक बस में बिठाया गया। किस्मत से उसकी सीट योंग के साथ थी। जेल पहुंचकर सभी कैदियों को अलग अलग सेल में डाल दिया गया। सॉबिन की दोस्ती वहां मिन नाम के एक चोर से हुई। उन दोनों को एक ही सेल में रखा गया। वहां एक आदमी ने उन्हें बताया कि जेल में जून, आकियो और हान 3 सबसे बड़े कैदी हैं। इनमें जून अच्छे आदमी हैं। जून आकियो और हान को अन्य कैदियों को प्रताड़ित करने से रोकता था, लेकिन हाल ही में आकियो और हान ने जून को फंसा दिया, जिससे पुलिस ने उसे अलग कमरे में बंद कर दिया। तब से ये दोनों बाकी कैदियों को परेशान करने लगे थे। हालांकि अभी भी योंग सबसे ताकतवर कैदी था और सभी उससे डरते थे, लेकिन योंग बिना वजह लड़ा नहीं करता था। अगले दिन सॉबिन और मिन चुपचाप खड़े आकियो और हान के फुटबॉल मैच देख रहे थे। कुछ खिलाड़ियों को चोट लगी तो हान ने उन्हें साथ खेलने के लिए बुलाया। वे मान गए, लेकिन सॉबिन फुटबॉल अच्छी तरह नहीं खेल पाता था। इससे हान की टीम हारने लगी। हान किसी भी हाल में हार स्वीकारने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने बेरहमी से सॉबिन की पिटाई शुरू कर दी। सॉबिन बहुत डर गया था। पिछले स्कूल के यादें ताजा हो गईं। वह उनसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। पर तभी योंग ने वहां से गुजरते हुए देखा कि वे सॉबिन को पीट रहे हैं। सॉबिन बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए योंग ने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब आकियो ने उसे रोकने की कोशिश की तो योंग ने एक ही मुक्के से उसे गिरा दिया। जेल में बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। वहां टोनी भी था, जिसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था। वह सड़कों पर जीवन बिता रहा था। उसका मानना था कि ये सब सॉबिन की वजह से हुआ था, इसलिए वह किसी भी हाल में उसे मारना चाहता था। यह सुनकर सॉबिन हमेशा की तरह डर गया और उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। लेकिन टोनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्लास के दौरान सॉबिन की नजर योंग पर पड़ी, जो उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था। सॉबिन को एहसास हुआ कि उसके पास अभी 2 साल बाहर जाने में बचे हैं। अगर वह अच्छी तरह बॉक्सिंग सीख ले तो अपनी जान बचा सकता है। इसलिए वह तुरंत योंग से अपना ट्रेनर बनने की गुजारिश करने गया। लेकिन शुरू में योंग ने साफ इनकार कर दिया। शुरू में योंग को लगा कि शायद सॉबिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब सॉबिन ने उसे अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में बताया तो योंग को विश्वास हो गया कि वह कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। इसलिए उसने सॉबिन की मदद करने का फैसला किया, लेकिन उसके लिए योंग का शिष्य बनने के लिए एक टेस्ट पास करना जरूरी था। उसे 40 मिनट में 100 चक्कर ग्राउंड पर लगाने थे। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही योंग उसे ट्रेनिंग देगा। ये ट्रेनिंग सॉबिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने टेस्ट शुरू कर दिया। योंग ने उसे रुकने को कहा, लेकिन सॉबिन अपना मन बना चुका था। वह पूरे 100 चक्कर लगाकर ही रुका। तब तक वह इतना थक गया कि बेहोश होने वाला था, लेकिन योंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर योंग समझ गया कि बॉक्सिंग सीखना सॉबिन के लिए कितना जरूरी है। इसलिए उसने जेलर से कहकर सॉबिन को अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। जेलर भी योंग का फैन था और जानता था कि योंग बुरा नहीं है, इसलिए उसने तुरंत सॉबिन को योंग के कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन से ही योंग ने सॉबिन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सॉबिन की कमजोर हालत देखकर योंग ने समझा कि उसे उस पर बहुत मेहनत करनी होगी। वहीं आकियो भी बदला लेने की तैयारी कर रहा था। उसके साथियों ने उसे याद दिलाया
कि मिन भी सोबिन के साथ था उस दिन। शायद मिन की मदद से वे सोबिन को योंग से अलग कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रेनिंग से सोबिन बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। बाहर टोनी ने शहर के हर गुंडे से लड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन एक बड़े गैंगस्टर ने उसकी काबिलियत देखी और उसे अपने लिए काम करने को कहा, लेकिन टोनी ने मना कर दिया और गैंगस्टर की बेइज्जती की। गैंगस्टर ने उसे थप्पड़ मारकर गिरा दिया। फिर उसने टोनी को आखिरी मौका दिया। टोनी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह गैंगस्टर के लिए काम करने को तैयार हो गया। वहीं जेल में लंच के समय मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ ही दिनों में योंग को बड़े कैदियों की जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद सोबिन को आंखियों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह बात सुनकर सोबिन बहुत निराश हो गया, क्योंकि योंग ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इसलिए वह तुरंत योंग से बात करने गया, लेकिन योंग ने समझाया कि कभी ना कभी उसे खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा और वह समय जल्द आ रहा है। इससे सोबिन ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहीं आकियों के लोग मिन को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी सोबिन वहां पहुंच गया। जब उन्होंने उसे धमकाया तो सोबिन ने अपनी बॉक्सिंग से उन्हें पीट दिया। यह सुनकर आकियों ने उन दोनों से कहा कि वे जल्दी जाकर सोबिन को उसके पास लाएं, लेकिन अब वे सोबिन से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उससे ही मदद मांगी। इसलिए सोबिन चुपचाप खुद आकियों से मिलने गया। वहां पहुंचकर सोबिन ने आकियों से माफी मांगी, लेकिन आकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सोबिन पर हमला कर दिया। लेकिन अब सोबिन पहले जैसा नहीं था, उसने भी आकियों से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि आकियों अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था, उसने पूरी ताकत लगाकर सोबिन को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद सभी को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अचानक सोबिन एक बार फिर खड़ा हो गया। इस बार उसने आकियों को इतना पीटा कि जब तक योंग ने उसे नहीं रोका तब तक वह पीटता रहा। फिर वे दोनों वहां से चले गए। दूसरी ओर शहर में टोनी का डर बढ़ता जा रहा था और वह दिन प्रतिदिन और खतरनाक हो रहा था। अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान सोबिन ने लगभग योंग के चेहरे पर मुक्का मार ही दिया था, लेकिन यही उनका आखिरी साथ था, क्योंकि उसी दिन योंग को दूसरी जेल में भेज दिया गया। जाते समय योंग ने कहा कि वह अब और किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा। उन्होंने 5 दिन बाद मिलने का फैसला किया। इसी बीच टोनी फिर सोबिन से मिलने आया, क्योंकि जेल के बाहर तक सोबिन की ट्रेनिंग की चर्चा हो रही थी। लेकिन वह बहुत खुश नहीं था। उस दिन के बाद जेल में किसी को परेशान नहीं किया गया। धीरे धीरे सभी लीडर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इसी तरह सोबिन की 2 साल की सजा भी पूरी हुई। बाहर आते ही उसका सामना टोनी से हुआ, जिसने उससे लड़ने को कहा। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जब सोबिन को योंग का चेहरा याद आया तो वह फिर खड़ा हो गया। इस बार उसने योंग की सिखाई खास टेक्निक का उपयोग करके ऐसा मुक्का मारा कि टोनी चक्कर खाकर गिर गया और उठ नहीं पाया। टोनी को हराकर सोबिन चुपचाप चला गया। दूरियों के बावजूद उनकी दोस्ती अभी भी कायम थी। यहीं पर मूवी का अंत होता है।